नमस्कार दोस्तों, भारत में प्राचीन समय से ही आयुर्वेदिक चिकित्सा को महत्व दिया गया है। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के द्वारा जटिल से जटिल व पुरानी बीमारी का इलाज जड़ी बूटियों से किया जाता है। भारतीय वनस्पति में कई प्रकार के पेड़ पौधे व जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा आज भी कई बीमारियों का इलाज संभव है। इन दुर्लभ जड़ी बूटियों में से एक है ब्रह्मी। ब्रह्मी नम क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक पौधा है। इसका तना व पत्तियां मुलायम होती हैं और इस पौधे पर सफ़ेद रंग के फूल लगते हैं। स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है ब्रह्मी। ब्रह्मी का सबसे बड़ा फायदा है कि यह बूटी मनुष्य के दिमाग के लिए प्रकृति का सबसे कीमती उपहार है। ब्रह्मी दिमाग को तेज करती है, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है और अन्य कई प्रकार के रोगों को ठीक करने में सहायक सिद्ध होती है। स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। ब्रह्मी स्मरण शक्ति के साथ साथ एकाग्रता को भी बढ़ाती है। अध्ययनों में सिद्ध होता है कि ब्रह्मी का लंबे समय तक सेवन करने से युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी लोगों की याददाश्त सही रहती है। तनाव और चिंता होती है दूर। ब्रह्मी के दो चार पत्तों का लगातार सेवन तनाव और चिंता को दूर करता है। ब्रह्मी में कुछ ऐसे सक्रिय तत्व पाए जाते हैं जो मानव शरीर के हार्मोन सिस्टम पर सकारात्मक प्रभाव डालकर चिंता व तनाव को खत्म करते हैं। बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ब्रह्मी के उपयोग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ब्रह्मी के पोषक तत्व शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ब्रह्मी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। बाल और त्वचा होती है स्वस्थ। ब्रह्मी का तेल बालों का रूखापन खत्म करने के साथ साथ बालों को झड़ने से रोकता है तथा बालों को पोषित करता है। वहीं ब्रह्मी के प्रयोग से शरीर के घाव जल्दी भरते हैं। ब्रह्मी का तेल व रस त्वचा को स्वस्थ बनाता है और निशान व दाग धब्बे ठीक करता है। मधुमेह में है रामबाण। कुछ अध्ययनों के बाद यह तथ्य सामने आए हैं कि ब्रह्मी मधुमेह के स्तर में सुधार करने में सक्षम है और शुगर के रोगियों को सामान्य व सेहतमंद जीवन जीने में सहायता प्रदान करती है। कार्यक्षमता को बढ़ाती है। ब्रह्मी दिमाग के लिए लाभदायक है। ये दिमाग को शांति प्रदान करती है। लगातार मानसिक कार्य करने के बाद थकान होना स्वाभाविक है, जिससे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। ब्रह्मी के सेवन से हैरानीजनक लाभ होता है। सूजन व दर्दनाशक। ब्रह्मी का प्रयोग सूजन व दर्द में राहत प्रदान करता है। एक शोध के मुताबिक ब्रह्मी दर्द को कम करने में मॉर्फिन की तरह प्रभावी हो सकती है। ब्रह्मी का इस्तेमाल कमर दर्द, मांसपेशियों के दर्द व गठिया जैसी बीमारी में लाभदायक सिद्ध होता है। ब्रह्मी के तेल से प्रभावित हिस्से पर मालिश करने से राहत महसूस होती है। इसके अलावा ब्रह्मी खून की खराबी, पीलिया, बुखार, खांसी व खराब गले को ठीक करती है। ब्रह्मी के नुकसान। ब्रह्मी की तासीर ठंडी होती है। ब्रह्मी का अधिक मात्रा में सेवन करने से सिरदर्द व घबराहट हो सकती है। इसका प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। 12 हफ्तों से अधिक इसका प्रयोग स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता। रोग के अनुसार या जरूरत के मुताबिक ही ब्रह्मी का सेवन करना चाहिए। सो दोस्तों, यह थी ब्रह्मी से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के बेहतरीन आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।